पृथ्वी के बारे में क्या बात कर रहा था? देखो दादी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप मेरा झूठ पकड़ लेंगी। हाँ। इसलिए अब मैं आपसे जो कहूंगा सच कहूंगा। देखो, मैं पृथ्वी से मिला था। दरअसल पृथ्वी जो है ना, वो एक नंबर का झूठा और पैसों का लालची इंसान है। वो मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता है, और वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करूंगा तो मुझे बिजनेस में लॉस हो जाएगा। अब मुझे उस बंदे से एकदम नेगेटिव वाइब्स आती है। मुझे उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी, तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं उसके साथ? एक बात तो माननी पड़ेगी, तू एक बहुत ही समझदार लड़का है। तूने पृथ्वी को अच्छी तरह पहचान लिया, उसके चक्कर में मत पड़ियो। और हाँ, अब कभी तुझे वो नजर आए तो उसे कस के एक तपाचा मारियो। दादी, 4 ऑलरेडी मार चुका हूँ उसे मैं। एक और मार दे मेरी तरफ से। पर हाँ, मेरी बात का ध्यान रखना, पृथ्वी नाम की वस्तु से दूरी रह। मैं बप्पा से प्रार्थना करूंगी कि हमेशा अपना आशीर्वाद तेरे सर पे रखे, हर दुख हर तकलीफ से तू दूर रहे, और इस पृथ्वी नाम के वस्तु से तो बहुत ही दूर रहे। थैंक यू दादी। अर्जुन, अब तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, प्लीज। क्या गुस्सा हूं मैं? देखो, I'm completely cool and calm, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वैसे अर्जुन, आज तो बाल बाल बच गए हम। मुझे तो लगा कि दादी को आज सब सच पता चल जाएगा। अगर उन्हें पता चल जाता तो फिर। अर्जुन कहाँ चला गया फिर से? काव्या, 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 कहाँ हो बेटा? काव्या, 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 क्या बात हो गई? प्रीता, क्या हुआ? राखी माँ, काव्या, काव्या का फोन आया था। कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन इतना पता चला था कि बहुत डरी हुई साउंड कर रही है। उसके बाद फोन कट गया, मैंने वापस फोन किया तो तब से आउट ऑफ रीच जा रहा है। पूरा घर छान चुकी है, मुझे काव्या कहीं भी नहीं दिख रही है। बहुत डर लग रहा है, उसको पता नहीं वो कहाँ गई। यही कहीं होगी। उसका फोन आपके नंबर से आया था, आपने उसे अपना फोन दिया था? नहीं तो हाँ, मैंने उसे फोन दिया था गेम खेलने के लिए, वो गेम खेलना चाहती थी। पता नहीं गेम खेलते खेलते कहाँ चली गई है, कहीं भी नहीं दिख रही है। हे भगवान। इधर जी, आप चिंता मत कीजिए। काव्या, गिरीश, काव्या, तू एक बहुत ही समझदार लड़का है। तूने पृथ्वी को अच्छी तरह पहचान लिया, उसके चक्कर में मत पड़ियो। और हाँ, अब कभी तुझे वो नजर आए तो उसे कस के एक तपाचा मारी। अरे क्या हो, क्या गया? ये क्या कर रहा है, कर क्या रहा है? ये बताओ, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर रही? कौन सी घटिया हरकत? और धक्का मैं भी मार सकता हूँ, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ। क्या किया क्या मैंने? और अपने होने वाले बिजनेस पार्टनर के साथ कोई इस तरह का बर्ताव करता है क्या? बिजनेस पार्टनरशिप करेगा तुम मेरे साथ? धक्का मैं भी मार सकता हूँ, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ। हाँ करूंगा बिजनेस पार्टनरशिप, क्यों नहीं कर सकता? क्या इस तरह के गेटअप में आया हूँ, गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर सकता। मैं ना बहुत एजुकेटेड इंसान हूँ, और जो मांग रहा हूँ हक से मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा। 15 लाख रुपए चाहिए मुझे, 15 लाख रुपए दे, आज मैं हिसाब किताब करेंगे, काट लेना बाद में। 15 लाख रुपए चाहिए तुझे? तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ 15 सेकंड नहीं रुक सकता मैं। अरे पर मैंने किया क्या? बार बार क्यों हाथ उठा रहा है? हाथ मैं भी उठा सकता हूँ। क्या किया मैंने? बताओ तूने क्या किया? बता। करण के मरने के बाद तू प्रीता के पीछे लग गया, उसे परेशान करने लगा तू? मैं जानता हूँ प्रीता जी किसी को नहीं बताएंगे, है ना? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बात ये कि प्रीता की कोख में जो बच्चा है वो मेरा है। तो तुझे क्या? मैं प्रीता को परेशान कर रहा था, उसे तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? देख यार, तू कैरेक्टर चेंज मत कर। तूने मुझसे कहा था
कि प्रीता का नाम भी मत ले। मतलब प्रीता का नाम सुनते ही तू बौखला जाता था, तुझे गुस्सा आता था, तो इस बार तो मैंने उसको परेशान किया। और ये बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात को भूल जा, आगे बढ़ना। नाम मत ले उसका। अपनी गंदी जुबान से खड़े खड़े समझा तू? नहीं लूंगा, पर मुझे ये बता कि मैंने उससे परेशान किया, उससे तुझे क्यों परेशानी हो रही है? क्यों क्यों कहीं तुझे प्रीता से प्यार तो नहीं हो गया? कहीं ये प्यार का रिश्ता तो नहीं है? तो नहीं है। देख भाई, मैं समझ सकता हूँ, प्रीता को देखते ही ना किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा, पर तेरे जैसे बहुत मजनू आए और गए, पर परमानेंट तो सिर्फ एक ही है, प्रीता जी का पृथ्वी और पृथ्वी की प्रीता जी। मैं मजनू नहीं, प्रीता के कुंडली भाग्य का वो सचो सचो जो हमेशा रहेगा। तुझे जानना है ना मेरा रिश्ता क्या उसके साथ? प्रीता का रिश्ता मेरा रिश्ता, कुंडली भाग्य का रिश्ता, कुंडली भाग्य का रिश्ता। ओ, अब तक शक था, अब यकीन हो गया। तूने अंडरलाइन कर दिया कि ये प्यार का मामला है। नहीं, ये कोई प्यार का मामला नहीं है, और ना ही अर्जुन किसी लड़की से प्यार व्यार करता है। ये हम दोनों के रिश्ते का मामला है। चलो अर्जुन। अर्जुन सूर्यवंशी, अर्जुन सूर्यवंशी। अर्जुन, अंजलि, प्रीता। काव्या इतनी शैतान है कि राखी जी को भड़का दिया मेरे खिलाफ। काव्या, क्या हुआ? काव्या, राखी जी, क्या हुआ? क्या काव्या किधर है? काव्या को देखा आपने? काव्या को? काव्या कहीं नहीं मिल रही। काव्या ने मेरे फोन से प्रीता को फोन किया था और